भी आ रहा ना। किसान भाइयों राम राम नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी हरियाणा के हिसार कृषि मेले में हूं और मैसी के स्टॉल पर हूं। मैसी के एक से बढ़िया एक मॉडल आए हैं और छोटे किसानों के लिए बागवानी या जो सब्जियों की जो बुवाई करते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए बच्चा ट्रैक्टर है मैसी फर्गूसन 5118। क्या इस ट्रैक्टर की तारीफ है और इस कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह आप किस कीमत पर किस कॉन्फिगरेशन के साथ ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। लगातार पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मैसी का जो बच्चा ट्रैक्टर जिसे कहते हैं छोटा ट्रैक्टर देख रहे हैं, हरियाणा के हिसार मेले में आपका ये ट्रैक्टर आया हुआ है, तो क्या नाम भाई साहब आपका और ये कौन सा मॉडल है और क्या इसकी थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन है पूरा बताइए इस ट्रैक्टर के बारे में। सर मेरा नाम है पवन और ये हमारा छोटा ट्रैक्टर है, 18 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। जी जी, सिंगल सिलेंडर है और खास बात यह कि एयर कूल्ड है, हवा से ठंडा होने वाला ट्रैक्टर है सर। और हाँ, उसके साथ साथ हमने इसके ना तेल ब्रेक दिए हुए हैं। सबसे छोटे ट्रैक्टर में तेल ब्रेक हमारे ट्रैक्टर में है, 18 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में तेल ब्रेक के साथ दिया इसके साथ। और इसका सिस्टम बताइए, समझाइए थोड़ा किसानों को जो हमारे दर्शक। ये अपने ना चार गियर के अंदर है, चार गो ये हमारे लीवर हैं, लिफ्ट के लीवर दिए हुए हैं। ठीक है सर, 700-800 kg तक लिफ्ट कैपेसिटी है सर हमारे ट्रैक्टर की। अच्छा अच्छा, हाँ। कीमत क्या होगी भाई इसकी? 3,05,000 रुपये सर। क्या ये इसमें कौन से एग्री इंस्ट्रूमेंट चल सकते हैं, टिलर, रूटावेटर या हैरो वगैरह, थोड़ा सा बताइए। जी सर, इसके अंदर हम ना 3-3.5 फुट तक का रूटावेटर चला सकते हैं, 3.5 से 4 फुट तक का। क्या साइज का चल जाएगा इसमें? 3.5 से 4 फुट तक होगा। इसकी चौड़ाई कितनी होगी आपके ट्रैक्टर की पिछली? इसकी सर सबसे कम चौड़ाई हमारे ट्रैक्टर की है, और ट्रैक्टर के मुकाबले, 18 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के मुकाबले। चार, चार, चार। जो कभी गन्ने की जुताई करते वक्त, बाड़ी की जुताई करते वक्त, हाँ जी सर, उसके लिए अच्छा है, कारगर है। हाँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। और ये जो हमारा सिलेंचर दे रखा है, ये फ्लैट भी होता है और स्टैंड भी होता है। हाँ, ज़्यादातर जैसे कि हमने कहीं भी बागानी में चलाना तो हम फ्लैट करके चलाते हैं, और वैसे चलाते तो स्टैंड करके अप करके चला सकते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, क्या गारंटी वारंटी क्या है भाई साहब? 2 साल की वारंटी है सर। अच्छा अच्छा जी जी। और इसका ये घंटे में जो लोड पर क्या लेगा एवरेज तेल का, थोड़ा सा ये बात बताइए। सर एक घंटे की नॉर्मल हम रोड की बात करें तो 4 से 5 लीटर तेल लेता है सर ये। बहुत सारी कंपनी ट्रैक्टर बना रही है छोटे, तो आपकी छोटे कंपनी में कोई खास बात क्या है वो थोड़ा बताइए। आपके ट्रैक्टर में जो अन्य कंपनी के जो ट्रैक्टर हैं उनमें छोटे जो बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात है सर हमारा इंजन है एयर कूल्ड है, रिकार्डो का इंजन है। अच्छा, रिकार्डो, हवा से ठंडा होने वाला, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, गर्म हो जाता है रेडिएटर में, पानी नहीं है। बाय द वे पानी नहीं हुआ तो हम पानी भरने की दिक्कत उसमें वो नहीं है। काफ़ी बार कस्टमर भूल जाते कि पानी देख नहीं पाते, टंकी से पानी रेडिएटर में नहीं आ पाता, इस वजह से लोग उसको ये सोचते कि टंकी में पानी है और ट्रैक्टर में रेडिएटर चौक हो गया तो इंजन में दिक्कत आती है। तो इसका इंजन एयर कूल्ड इंजन है और आवाज़ से ठंडा होने वाला इंजन है सर। कहाँ कहाँ उपलब्ध है बिक्री के लिए हरियाणा के? हरियाणा में ऑल डीलरशिप अवेलेबल है सर ये ट्रैक्टर, कहीं पर भी हरियाणा में कहीं भी किसी डीलर पर शिप से आप खरीद सकते हैं इस ट्रैक्टर को, हर जगह अवेलेबल है सर। अच्छा,